ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूँ। ऐसा ही कुछ विराट ने सोचा होगा कल के मैच के एंड के बाद। हेलो दोस्तों, मैं अंकित, आपका दोस्त और होस्ट, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम रिव्यू और हाइलाइट्स देखने वाले हैं मैच 19 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। ऐसा क्यों लगा कोहली को कि वो इस जगह पे पहले वापस आ गया है, ये जानने के लिए देखते हैं इस मैच के हाइलाइट्स एंड रिव्यू। लेकिन बंड्या, इंट्रो तो चला यार। कोहली ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। बेंगलोर के टीम में दो चेंजेस थे, मोइन अली और सिराजिन व इजाम्पा और मान टीम से बाहर। दिल्ली ने इंजर्ड मिश्रा की जगह अक्षर पटेल को खिलाया। दिल्ली ने काफी कॉन्फिडेंट और अच्छी शुरुआत की अपनी इनिंग्स की, जहां शॉ ने पहले ही ओवर में दो बाउंड्रीज लगा दी। दिल्ली की ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी हो रही है, जहां 250 लगाई है उनके ओपनर्स ने। दिल्ली के बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर को दिल्ली ने पावर प्ले खत्म होते हुए 63 रन्स बना लिए और एक भी विकेट नहीं दिया। फिर बॉलिंग अटैक में आया सिराज और आते ही बैंगलोर को ब्रेक थ्रू मिल गया। शॉ आउट हो गए 42 रन्स बना के और दिल्ली 68/1। वॉशिंगटन सुंदर ने अपना ब्रिलियंट स्पेल खत्म किया, जहां 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। शॉ के आउट होने के बाद ऐसे लगा कि धवन चार्ज लेंगे, लेकिन धवन भी उड़ाना को अपना विकेट दे बैठे और जल्दी अय्यर भी अपना कैच दे बैठे पडिकल को, जहां पडिकल ने काफी ब्रिलियंटली कैच ले लिया। अब क्रीज पे थे पंत और सोनिस और दिल्ली का स्कोर था 100 in 13 ओवर्स। अब दिल्ली को बड़े ओवर्स की जरूरत थी और सोनिस पहले से अटैक मोड ऑन करके आए थे। आते ही एक छक्का और एक चौका लगा दिया सहानी ने, तभी एक बीमर डाल दिया स्टोनिंग्स को और स्टोनिंग्स इतना गुस्सा हो गया जैसे। फ्री हिट पे एक चौका तो लगा दिया, लेकिन बाद में जो पिटाई किया बॉलर की वो तो बेहतरीन थी। पंत भी कहाँ पीछे थे, पंत ने भी एक छक्का लगा दिया सहानी को। पंत को एक बीमर डाल दिया सिराज ने और वो बेहतरीन तरीके से सिक्स को मार दिया, लेकिन उसी ओवर में सिराज ने पंत को आउट कर लिया। काफ़ी अच्छा कैमियो खेला पंत ने। स्टोनिंस ने अपने 50 पूरे कर लिए और दिल्ली ने 20 ओवर में 196 रन्स बना लिए। दिल्ली ने बैंगलोर के सामने 197 रन्स का टारगेट रखा। तो चलो देखते हैं आरसीबी ये टारगेट चेस कैसे करती है। आरसीबी को एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी, स्पेशली पडिकल से, क्योंकि पडिकल ने जब परफॉर्म किया है आरसीबी जीती है। रबाडा ने पहला ओवर तो काफ़ी अच्छा किया, लेकिन फिंच का एक कैच भी छोड़ दिया। फिंच को एक चांस मिल गया पहले ओवर में और सेकेंड ओवर में भी धवन ने दो कैचेस छोड़े, जिससे दो चांस मिले फिंच को और ऐसे लगने लगा कि फिंच वेलकम मूवी गेम, अभी हम जिंदा हैं। फिर बॉलिंग अटैक में आए अश्विन और आते ही पडिकल का विकेट ले लिया। बैंगलोर 24/1 in 3 ओवर्स। वहीं दूसरे एंड से अक्षर पटेल आ गए अटैक में और पंत ने कैच पकड़ लिया फिंच का और फिंच आउट हो गया। सिक्स ओवर में एबी ने एक चौका तो लगा दिया नॉर्जी को रन रेट बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन लास्ट बॉल पे अपना विकेट दे बैठे। दूसरे एंड पे कोहली काफ़ी संभल के खेल रहे थे और बैंगलोर का स्कोर 50 तक लेके गए। दिल्ली ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की, वही आरसीबी का रिक्वायर्ड रन रेट ऐसे बढ़ रहा था जैसे समर में टेम्परेचर बढ़ता है। बैंगलोर ने 11 ओवर में 70 रन्स बना लिए। बैंगलोर को अब कुछ करने की ज़रूरत थी, तो मोइन अली ने, जो आउट ऑफ फॉर्म और स्ट्रगल कर रहे थे, अक्षर पटेल को एक बड़ा शॉट खोलने की कोशिश की, लेकिन अपना विकेट दे बैठे। आरसीबी 75/4। वही कोहली नॉन स्ट्राइक एंड पे कोहली ने हर्षल पटेल को एक सिक्स तो मार दिया, लेकिन अगले ही ओवर में रबाडा ने कोहली का विकेट ले लिया। आरसीबी 94/5 और उनके चेस का। अब क्रीज पे थे दुबे और सुंदर, दोनों ने 3-4 बाउंड्रीज तो लगाई, लेकिन रबाडा ने पहले सुंदर और फिर वॉशिंगटन को आउट कर लिया। रबाडा हैट्रिक पे थे, हैट्रिक तो हुई नहीं, लेकिन उड़ाना को आउट कर लिया। नॉर्जी ने भी सिराज को आउट कर लिया और आरसीबी 59 रन से ये मैच हार गया। रिव्यू का देखें तो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय दिल्ली, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ उनके लिए, स्टार्टिंग विथ गुड पार्टनरशिप इन द ओपनिंग बाय पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन, स्पेशली
जो शॉ ने बैटिंग की काफ़ी बेहतरीन थी, और फिर एंड में जो हिटिंग की पंत और स्टॉनिंग्स ने वो भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके वजह से एक अच्छा टोटल, एक अच्छा टारगेट सेट कर पाए दिल्ली अपने बॉलर्स के लिए। वही अगर बॉलिंग का देखें तो कंप्लीट मार्क्स टू द दिल्ली स्पिनर्स, अक्षर पटेल और अश्विन ने पावर प्ले में विकेट ले लिए, काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग थी। और फिर रबाडा ने अमेजिंग परफॉर्मेंस, वेल डिज़र्व 4 विकेट्स फॉर रबाडा, एंड नॉर्जी ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। अगर बेंगलोर का देखें तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम, स्टार्टिंग विथ अर्ली विकेट्स, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप ना होना, और एरन फिंच कंप्लीट आउट ऑफ फॉर्म, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर आता है एबी और विराट कोहली पे, एंड ऑफ कोर्स जो उनकी अदर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है उनको भी सपोर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है। बॉलिंग का देखें तो वाशिंगटन सुंदर ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग की और काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया सिराज ने, लेकिन चहल और सैनी बिल्कुल भी नहीं चले और उड़ाना भी काफ़ी रन्स दे दिए। सो नाउ बैंगलोर रियली हैज़ टू थिंक ऑन देयर बैटिंग, बिकॉज उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल रही है, वही उनकी बॉलिंग में काफ़ी रन्स जा रहे हैं। सो गाइज ये था मैच रिव्यू एंड हाईलाइट्स ऑफ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच का। काफ़ी बेहतरीन मैच था ये और काफ़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखा के दिल्ली ने ये मैच जीत लिया। विथ 4 विंस दिल्ली ने फर्स्ट पोजीशन पे जंप कर लिया है और बैंगलोर तीसरे पोजीशन पे ही है, लेकिन नेट रन रेट काफ़ी नेगेटिव है। गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अभी तक की आप ये देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग इट। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ।